जोशीमठ से यह बड़ी खबर है, जहां सेलंग गांव के पास भारी भूस्खलन हुआ है। रात करीब 2 बजे भूस्खलन से हजारों टन मलबा गिरा है। एनटीपीसी की तपोवन परियोजना साइट के ऊपर से यह भूस्खलन की खबर आई है। श्रमिकों की हड़ताल होने की वजह से जनहानि टल गई, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां कई मकानों और होटलों को भी खतरा पैदा हो गया। इससे पहले 7 फरवरी को ऋषि गंगा में आए जल प्रलय से एनटीपीसी की डैम साइट को भारी नुकसान पहुंचा था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ से एक बड़ा हादसा टल गया, पहाड़ पर फिर एक बड़ी तबाही टल गई है। एनटीपीसी साइट के पास भीषण भूस्खलन हुआ है। रात करीब 2 बजे भूस्खलन में हजारों टन मलबा पहाड़ से गिरा है। एनटीपीसी की तपोवन साइट परियोजना के ऊपर यह भूस्खलन हुआ। हालांकि श्रमिकों की हड़ताल होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जोशीमठ से आपको दिखा रहे हैं। एनटीपीसी साइट के पास ये भयंकर भूस्खलन हुआ है। हड़ताल हो रखी थी, कर्मचारी हड़ताल पर थे, यहां मौजूद नहीं थे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। एक बहुत बड़ी तबाही टल गई है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में ज्यादातर इलाकों में बारिश जारी है, देहरादून में भी जारी है बारिश का सिलसिला। 25 और 26 जुलाई को मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया, यानी कि आज और कल। बारिश से अभी लोगों को राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो 25 और 26 जुलाई को मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बारिश से लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो आज से उत्तराखंड में बारिश से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बारिश और ज्यादा भारी होने वाली है। आज और कल देहरादून, टिहरी, पौड़ी के अलावा कुमाऊं क्षेत्र में भी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो अभी उत्तराखंड में आसमानी आफत से निजात मिलती नहीं दिख रही है, बल्कि 30 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। आपको बता दें कि इस बारिश की वजह से पहाड़ पर कई जगह भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी कई मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक आज और कल भारी बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश का सिलसिला 30 तारीख तक चल सकता है। फिलहाल आप राजधानी देहरादून में हैं, क्योंकि देहरादून भी उन्हीं जिलों में शुमार है जहां के लिए चेतावनी जारी की है। कैसा मौसम है? बिल्कुल जी कौशल, देखिए आने वाले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अगले उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और लगातार कल से ही मूसलाधार बारिश ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बनी हुई है, राजधानी देहरादून में बनी हुई है। और मैं राजधानी देहरादून की अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मैं अभी राजधानी देहरादून में घंटाघर में मौजूद हूं, और आप देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश अभी बनी हुई है। और सीधे तौर पर अभी जिस तरह से मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में लगातार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। और खासकर अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और उसके कारण कई ऐसे राजमार्ग हैं कौशल जो पूर्ण रूप से बाधित हो चुके हैं, जिनको खोलने का प्रयास जेसीबी और अन्य उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन अभी भी लगातार 3 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश का अभी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किया गया है। एक तरफ जहां लगातार लैंडस्लाइड की वजह से लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर लगातार गंगा हो या नदी हो उनके जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से लगातार जो गंगा के किनारे नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भी प्रशासन की ओर से जाने की अपील की जा रही है। लेकिन अभी भी 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किया गया है, तो ऐसे में लगातार जो लोगों की दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, उनमें ज़रूर थोड़ा इजाफा हो सकता है, क्योंकि कुछ मैदानी क्षेत्रों में जल भराव और तमाम ऐसी समस्या बारिश के कारण आ रही है। मुश्किलों की अगर बात करें विनोद, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन मुश्किलों भरा होता है उत्तराखंड के लिए, चाहे मैदान की बात हो या पहाड़ की बात हो। जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, जगह जगह नेशनल हाईवे बंद है, सड़कें बंद है, ऐसे में जो आपदा प्रबंधन विभाग है और जो राहत बचाव की टीमें, चाहे NDRF हो चाहे SDRF हो, इनका डिप्लॉयमेंट किस तरीके से किया गया है, कैसे लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल जी 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 कौशल, देखिए जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला बना हुआ है, कई ऐसे मार्ग हैं
जो पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं, अवरुद्ध हो चुके हैं, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लैंडस्लाइड की घटना को देखते हुए एसडीआरएफ, बीआरओ और स्थानीय पुलिस बल की टीमों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है और जहां पर भी लैंडस्लाइड होने की आशंका होती है वहां पर पहले से ही टीम को तैनात की गई है और ऐसे में अगर कोई लैंडस्लाइड होता है तो जल्द से जल्द उनकी सूचना टीम के पास हो और व्यवस्था भी पुख्ता है। हालांकि मॉनसून के सीजन में अभी लोगों को इस आसमानी आफत से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अहम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों पहाड़ ऐसे दरक रहे हैं कि राहगीरों का सफर करना मुश्किल हो गया है। कहीं चलती गाड़ियों के ऊपर मलबा गिर रहा है तो कहीं हाईवे धंस गए हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जिस वजह से केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। नेशनल हाईवे सिरोपगढ़ के पास बार बार बाधित हो रहा है, जिससे राहगीरों की जान पर बनाई है। राहगीरों की मुश्किल का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाइए। लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद है और वाहनों की लंबी कतार लगी है। हाईवे पर फंसने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जो इन दिनों उत्तराखंड घूमने आए। खराब मौसम और पहाड़ों के दरकने से सैलानियों की मौज मस्ती में भी खलल पड़ गई। उधर बारिश यमुना घाटी में भी मुसीबत बन गई। बारिश की वजह से पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा हाईवे पर आ गिरते हैं, जिससे रोड बाधित है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 खरादी के पास दो जगह बाधित है, जबकि पालीगाड़ में वे सड़क सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। मजबूरी में राहगीर इसी खतरनाक रास्ते से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। वहीं विकास नगर में चक्राता कालसी मोटर मार्ग पर भी मलबा आ गिरा है, जिस वजह से यहां वाहनों की आवाजाही घंटों तक बाधित रही। बारिश के कारण हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आ गिरे। इस रोड को जौनसार बाबर की लाइफ लाइन कहा जाता है, इसलिए कुछ ही देर में वहां वाहनों की भीड़ लग गई। कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के बाद इन दोनों उत्तराखंड में काफी संख्या में सैलानी जा रहे हैं। यही वजह है कि जिस भी हाईवे पर लैंडस्लाइड होता है वहां कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से विक्रम सिंह के साथ बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। तो ये हाल है पहाड़ पर मॉनसून के सीजन में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता दें, बद्रीनाथ हाईवे श्रीनगर के बीच जानलेवा बन गया है। ऑल वेदर रोड बनने से हाईवे पर कई जगह डेंजर जोन बन गए हैं। सिरोपगढ़ बाईपास का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केदारनाथ हाईवे की हालत भी बद से बदतर बनी हुई है। केदारनाथ हाईवे के गंगतल, सौडी, कुंड और फाटा में डेंजर जोन बन गए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे, केदारनाथ हाईवे जगह जगह डेंजर जोन बन गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हल्द्वानी में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम चौकन्ने हैं। भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। गौला नदी का जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि वो अगले कुछ दिन नदी के किनारे से दूर रहें। उधर प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी कुछ लोग बेवजह ही गौला नदी के किनारे घूमते नजर आ रहे हैं। गौला बैराज के आसपास पुलिस और गोताखोरों की एक टीम भी लगाई गई है। टीम तो लगाई है खैर, लेकिन वो जरूर से ज़्यादा है ना, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमने जल पुलिस और हमारे कर्मचारी लगाए हैं जो लगातार चेतावनी दे रहे हैं उस बात की कि उनको दूर रखा जाए यहाँ से, सेंसिटिव इलाका है काफ़ी, तो उस पर हमारी नज़र है। हल्द्वानी में मुख्य सचिव एसएस संधू के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। मौसम खराब होने की वजह से गोलापार हेलोड्रम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आपको बता दें कि मुख्य सचिव अपने एक दिन के दौरे पर नैनीताल जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें कार से नैनीताल जाना पड़ा। और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, आज युवा कांग्रेस का पुलिस अधिकार मार्च है। गांधी पार्क से सचिवालय तक सत्याग्रह मार्च निकाला जाएगा।
पुलिस ग्रेड पे जल्द लागू ना होने के विरोध में युवा कांग्रेस ये मार्च निकालेगी। दोपहर 12:30 बजे सत्याग्रह मार्च निकाला जाएगा। तो पुलिस ग्रेड पे जल्दी लागू ना होने के विरोध में यह मार्च निकाला जाएगा। दोपहर 12:30 बजे सत्याग्रह मार्च निकाला जाएगा। इसको नाम दिया गया है सत्याग्रह मार्च। दोपहर 12:30 बजे निकाला जाएगा। युवा कांग्रेस का यह पुलिस अधिकार मार्च है। भले ही हरिद्वार में कांवड़ मेला रद्द कर दिया गया हो, लेकिन हरिद्वार में अभी भी कांवड़ियों के आने की आशंका बनी हुई है। यही वजह है कि हरिद्वार पहुंचने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। महाशिवरात्रि तक किसी भी कांवड़ियों को हरिद्वार में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, जबकि सैलानियों को इसमें छूट दी गई है। सैलानी कोविड की निगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट दिखाकर एंट्री ले सकते हैं। पुलिस ने धर्मनगरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर इस बार सावन पर कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है। आपको पता ही है कि कांवड़ मेला इस वर्ष स्थगित किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो वहां से कांवड़ लेने आने वाले किसी भी आदमी को बॉर्डर से अंदर आना अलाउड नहीं है। वही स्थिति ट्रेन्स की है, बसों की है, सबको। तो कांवड़ के अलावा जो बाकी यात्रा है, बाकी जो लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आता है मसूरी का, नैनीताल का, ऋषिकेश का, टेहरी का, उसे नहीं रोकेंगे। उसके ऊपर जो पुरानी शर्तें हैं RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पे रजिस्टर करा के वो लोग आ सकते हैं। कांवड़ वालों के लिए हमने सभी बॉर्डर्स पर फोर्स लगा दी है। और फिर भी कोई जिद करेगा, आता है किसी चोर रास्ते से, तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। कांवड़ मेला रद्द किए जाने के बाद हरिद्वार में सख्ती से इसका पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस लिया। जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शनिवार शाम पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। SSP सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि बाहर से आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिले की सीमाओं और हर की पैड़ी पर 8 कंपनी PSC लगाई गई है। उसके अलावा अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को मिलाकर करीब 900 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस दौरान बाहर से आने वाले सभी कांवड़ियों को वापस भेजा जाएगा और जो कांवड़िए अंदर प्रवेश करेंगे उन्हें क्वारंटीन कर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद रुड़की से लगते नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। SSP खुद बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। SSP का कहना है कि कांवड़ियों से हरिद्वार न आने की अपील की जा रही है। हमारा फोर्स तो लगातार जो है बॉर्डर में तैनात है, और जो भी वाहन जो नियम का पालन ना करते हुए आते हैं उनको हम वापस भी कर रहे हैं। आज कुछ फोर्स हमें बाहर से मिला है, अभी उसका रवाना ही हो रहा है। आज शाम तक जो है उस फोर्स का तैनाती जो है हम बॉर्डर पर कर देंगे, ताकि जो है कल से जैसा कांवड़ मेला शुरू होगा हमारा बॉर्डर और मजबूत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज अपनी विधानसभा खटीमा में ही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज पार्टी कार्यकर्ताओं से सीएम का मुलाकात का कार्यक्रम है और दोपहर बाद देहरादून रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो गृह जनपद के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज अपनी विधानसभा में है। कल खटीमा पहुंचे थे अपनी विधानसभा सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था, और आज खटीमा में ही मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आज वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और दोपहर बाद देहरादून रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खटीमा में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है और दोपहर बाद देहरादून रवाना होंगे सीएम। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं खटीमा विधानसभा क्षेत्र के जो रहने वाले हैं, वो भी सीएम के अपने विधानसभा क्षेत्र में आने से काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री जब कल खटीमा पहुंचे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से भव्य स्वागत हुआ मुख्यमंत्री का, रोड शो निकाला गया और इस दौरान जगह जगह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करते लोग नजर आए। तो रुद्रपुर के दौरे के दौरान कल सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर के नगला पहुंचे। इस दौरान सीएम का काफिला शांतिपुरी गेट, आनंदपुर गेट होते हुए शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पहुंचा, जहां सीएम ने स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नारायणपुर तिराहे पर बने शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला के लोगों के घरों पर जो आपत्तियां थी, सरकार उनका समाधान निकालेगी।
भी जिस मुझे बताया गया कि कनकपुर राजकीय इंटर कॉलेज में शहीद देव बहादुर थापा ने वहाँ शिक्षा आयोजन का काम किया है, तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि कनकपुर राजकीय इंटर कॉलेज का नाम शहीद देव बहादुर सिंह थापा के नाम से होगा। तो मैंने उनसे सुखबीर सिंह संधू जी से कहा है कि इस मामले का निस्तारण करें और जो ये माननीय न्यायालय का जो मामला है, हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करेंगे और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए मैंने जिलाधिकारी जी और हमारे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी साहब दोनों को मैंने कहा है कि इसमें रास्ता निकालें जिससे कि हमारे नगला वालों की परेशानियों का समाधान हो, उसका हल निकले। और मुख्यमंत्री के इस दौरे से जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद खटीमा में है, अपने विधानसभा क्षेत्र में है मुख्यमंत्री, और कल जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत हुआ, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, आज कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है, इसके अलावा कब तक देहरादून वापसी का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? जी कौशल, देखिए आज शाम तक बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देहरादून लौट सकते हैं, और जिस तरह से लगातार उनका गर्मजोशी से कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, और लगातार उन्होंने कल उधम सिंह नगर जनपद की कई ऐसी विकास की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया है, कई ऐसी घोषणाएं भी उधम सिंह नगर जनपद से संबंधित की है, तो ऐसे में उनका गृह जनपद है और आज भी उनके खटीमा अपनी विधानसभा क्षेत्र में वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे, और जिस तरह से लगातार बड़ी संख्या में गर्मजोशी से कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, तो ये अब ये जरूर माना जाए कि आज मुख्यमंत्री सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर और तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ में बातचीत करके आज देहरादून लौट सकते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये पहला उनका दौरा है और आज तीसरा दिन उनका मुख्यमंत्री का अपनी खटीमा विधानसभा क्षेत्र में रहेगा, और आज भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो लोगों से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और सबका अभिवादन धन्यवाद देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद आपका ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, खटीमा में अपने विधानसभा क्षेत्र में है मुख्यमंत्री, आज दूसरा दिन है खटीमा विधानसभा में उनका, आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और तमाम कार्यक्रमों में भी शिरकत हो कर सकते हैं मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में एक तो वैसे ही रोजगार की कमी है, इन सबके बीच निजी कॉलेज अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे छात्रों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। निजी कॉलेजों की मनमानी देखिए, उन्होंने 700 छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया। उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा, फीस के लालच में शिक्षा के मंदिरों में धांधली, 700 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, महज फीस के लालच में 700 से ज्यादा छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। पहले फर्जी तरीके से परीक्षा फॉर्म भरवाए गए, फिर एग्जाम भी करा दिया गया। उत्तराखंड में निजी कॉलेजों की मनमानी इस हद तक हावी है कि 700 छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। हरिद्वार और देहरादून के 14 ऐसे निजी कॉलेज हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से 700 छात्रों को एडमिशन दे दिए और फर्जी तरीके से ही इन सभी 700 छात्रों की परीक्षा भी करा दी। लेकिन जब ये मामला श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पास गया तो इन्होंने सभी छात्रों की परीक्षाएँ रद्द कर दी और इनके परीक्षा परिणाम भी रोक दिए। अब ये छात्र परेशान हैं कि इनका भविष्य आगे कैसा होगा। ये मामला श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी से जुड़े 14 निजी कॉलेजेस का है। मोटी कमाई के लालच के चक्कर में 700 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया, महज फीस के लालच में 3 सीटों से ज्यादा एडमिशन लिए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब यूनिवर्सिटी ने छात्रों का रिजल्ट रोक दिया। जब विश्वविद्यालय ने उन कॉपियों का मूल्यांकन कराया तो पता चला कि ये स्वीकृत सीटों से ज्यादा विद्यार्थी कैसे आ गए, कैसे परीक्षाएं दी थी, तो फिर विश्वविद्यालय ने इसको संज्ञान में लेकर उन छात्रों की परीक्षा परिणाम को रोक दिया। और जो वो 14 निजी महाविद्यालय थे जिन्होंने अपनी मर्जी से स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ज़्यादा सीटों पे प्रवेश दिए और विश्वविद्यालय को नहीं बताया, उनको हमने सो कॉज नोटिस जारी किए। आखिरकार छात्रों की क्या गलती थी? उन्होंने कॉलेज को पढ़ाई के लिए पूरी फीस दी, पूरे साल मेहनत कर परीक्षा दी, अब जब रिजल्ट की बारी आई उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला गंभीर है इसलिए सरकार इसकी जांच करा रही है। जिन भी कॉलेजों ने ऐसा किया है, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज हैं, मैंने कहा कि आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई करिए, और चूंकि बच्चों का कोई दोष है नहीं,
बच्चों ने पेपर भी दे दिए हैं, तो बच्चों के भविष्य के साथ भी कोई खिलवाड़ ना हो इसके लिए मैंने आज आदेश किए हैं और जल्दी जो है इसमें पता चल जाएगा कि कहां कहां गलती। इस फर्जीवाड़े में 12 कॉलेज रुड़की और हरिद्वार के हैं, जबकि 2 कॉलेज देहरादून के हैं। इन सभी 14 कॉलेजेस को नोटिस भी जारी किया गया है, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा जिनके साथ इन निजी कॉलेजेस ने इतना बड़ा धोखा किया है। सभी 14 विद्यालयों को ये कहा गया है कि यदि किसी भी तरह की उसमें चूक पाई जाती है तो इनकी संबद्धता विश्वविद्यालय से ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, क्योंकि 700 छात्रों का भविष्य अब दांव पर लग गया है।